है जो इस अभिमानी के अशुभ बोल को असत्य कर दिखाए। आगे बढ़ो वीरो और सिद्ध कर दो इस देश में वीरों की कोई कमी नहीं। जीवन पर अविवाहित रह जाएगी। यदि मुझे ज्ञात होता तो मैं यह संकल्प भी ना लेता। इस शिव धनुष को मेरी पुत्री सीता बाल्यकाल में हंसते हंसते उठा लिया करती थी। उसे आज उसे कोई टस से मस भी नहीं कर सका। मुझे ज्ञात नहीं था कि यह धरती वीरों से रिक्त हो गई है। सभी क्षत्रिय नपुंसक निकलेंगे। बस कीजिए मिथिलेश, बस कीजिए। आपको समस्त क्षत्रियों का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। ईश्वर की सौगंध, यदि मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम और गुरु विश्वामित्र यहां नहीं होते तो मैं ये धनुष तो क्या हिमालय को भी उठाकर दूर फेंक देता। आकाश में कड़कती हुई बिजली को अपने हाथों में थाम कर दो टुकड़ों में कर देता। नभ में चलते हुए तारों को इन हाथों में दबाकर मसल कर रख देता। आपने क्षत्रियों का शौर्य देखा कहां है मिथिलेश? नहीं अनुज, मिथिलेश हमारे आदर योग्य हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वो किसी को अपमानित करने के लिए नहीं, ये तो एक पिता की व्यथा है। क्षमा मिथिलेश। शिष्य राम, मेरे लिए मिथिलेश का दुख असहनीय हो रहा है। जाओ और महाराज
जनक का संताप मिटा दो। ये मेरा आदेश है। उठाओ धनुष और उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो। विजयी भव। हे उमा महेश्वर, गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है, उसका पालन करने की शक्ति दीजिए भगवान। मैं आपके चरणों में आवाहन करता हूं कि मेरे मन की अन्य सारी इच्छाओं आकांक्षाओं को त्यागने में मेरी सहायता कीजिए। हे हे ही गौरी शपिनाक पाणे शशांक मौले वृषभाधिरूढ़ देवाधिदेवेश महेश नित्यं ग्रहाण पूजां भगवन् नमस्ते। हे पिनाकिन, सुगंधि द्रव्य स्वीकार कीजिए। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नीराजनम निर्मलदीप्तिमद्भिर् दीपांकुरैरुज्ज्वलमुच्छ्रितैश्च घण्टानिनादेन समर्पयामि मृत्युञ्जयाय त्रिपुरांतकाय। हे विष्णुवल्लभ, हे अंबिकानाथ, हे वीरभद्र, शक्ति दो भगवान, शक्ति दो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राम, 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 ऐसी विचित्र ध्वनि है जिसने धरती आकाश सबको हिला दिया है। अवश्य ही किसी ने मेरे आराध्य एवं गुरु शिव का धनुष तोड़ दिया है।
जिसने भी ये दुस्साहस किया है, ईश्वर की सौगंध, उसने स्वयं की मृत्यु को निमंत्रण दिया है। हे देवाधिदेव, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपके इस दिव्य धनुष को उठाने का महान कार्य आपके आशीष के बिना असंभव था। महादेव, मैं नतमस्तक हूं। हे गौरी माता, आपने सत्य ही कहा था, जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है उससे वो मिलता ही है। हे क्षत्रियो, जिस प्रकार अंधकार में मनुष्य को कुछ नहीं सूझता और वो ठोकर खा जाता है, मैं भी अपने दुख में ऐसे ही डूबा हुआ था और मेरे मुख से वो सब अपशब्द निकल गए जो अनुचित और शिष्टाचार के प्रतिकूल थे। मुझे सब अपनी कही हुई अपमानजनक बातों के लिए खेद है। कृपा करके आप सब मुझे क्षमा कर दीजिए। अब अपने पिता के वचन का पालन करो जनक नंदिनी। श्री राम ने स्वयंवर में स्वयं को तुम्हारे पति होने के योग्य सिद्ध कर दिया। जाओ, उनके गले में वरमाला पहनाओ। दीदी चलो। गति नैना अकुलाने चली विजय माला पहिराने, लजवंती सिय रूप निराला रघुवर कंठ डारी दई माला, रघुवर कंठ निहारत मिथिला वासी, राम सिया जोड़ी सुख रासी, हर्षत देव निरखिये जोड़ी, जुगत रूप महिमा नहीं थोड़ी, जुगत रूप महिमा नहीं थोड़ी। शंभो, ये दुस्साहसी कौन है? आरा जनक। ऋषिवर, हे प्रभु, हे ऋषिवर, हे परशुराम, क्षमा क्षमा। मैंने भगवान शिव के समक्ष ये प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी इस शिव धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मैं उसी से अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। तुम्हारी प्रतिज्ञा का संबंध इस धनुष को उठाने एवं उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने से था, इसे तोड़ने से नहीं। जिसने भी यह अपराध किया है
वो मेरे सामने आए। ऋषिवर, यदि यह अपराध था तो वो अपराधी ये दशरथ नंदन राम है। किंतु मेरा विश्वास कीजिए ऋषिवर, मैंने यह अपराध जानबूझकर नहीं किया है। प्रत्यंचा चढ़ाने की चेष्टा में धनुष मुझसे टूट गया। यदि आपको इससे दुख पहुंचा है तो क्षमा प्रार्थी हूं। हे मुनिवर, जबकि यह कोई अपराध नहीं है, फिर भी मेरे भ्राता शिर की विनम्रता देखिए कि उन्होंने आपसे क्षमा मांग ली। बालक, ये बातें तेरी समझ में नहीं आएंगी। मैं इसे अक्षम्य मानता हूं। तब तो इसे कोई शिव का दास ही तोड़ सकता है मुनिवर। लक्ष्मण, यदि कोई दास अपने स्वामी की अवहेलना करे तो उसे भी क्षमा नहीं किया जा सकता। शिव धनुष को तोड़ना एक ऐसा अपराध है जिसका न्याय केवल दंड है। क्षमा करें मुनिवर, क्षमा करें। हम भाइयों ने खेल खेल में न जाने कितने धनुष तोड़े, उसका तो आज तक किसी को बुरा नहीं लगा। इस धनुष में ऐसी क्या विशेषता है जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं? मिथिलेश के भंडार में न जाने कब से ये यूं ही पड़ा हुआ था। क्या हुआ जो प्रत्यंचा चढ़ाने से टूट गया? मेरे मुंह मत लग बालक, तू अपनी सीमा को लांघ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा क्रोध भी अपनी सीमा को लांघ जाए। क्रोध? क्रोध हम राजपुत्रों को सुहाता है मुनिवर। आप जैसे महान ब्राह्मण को शांत रहना ही शोभा देता है। मुंह संभाल कर बात कर बालक। अच्छा, जब आपको इस धनुष का टूटना इतना ही दुखदायी ठहरा है तो आप इसे जोड़ क्यों नहीं देते? बस बस बालक, सहने की भी सीमा होती है। तू कदाचित मेरे अतीत से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ नहीं हूं मुनिवर, इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं कि जब आपके पिता के तप से आपकी माता का कटा हुआ सिर जुड़ सकता है तो आपके पराक्रम से यह धनुष भी जुड़ सकता है। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मेरे अनुज को क्षमा कर दीजिए। लाड़ प्यार से बिगड़े हुए इस राज किशोर को तो मैं क्षमा कर सकता हूं, किंतु तुम्हें नहीं कर सकता। तुमने मेरे आराध्य शिव का धनुष तोड़ने का जघन्य अपराध किया है। मैंने इस धरती पर 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया है, किंतु लगता है कि अब भी मेरा संकल्प पूर्ण नहीं हुआ। आज मेरे हाथों एक और क्षत्रिय मारा जाएगा। तो अपना प्रण पूरा कीजिए मुनिवर। मैं तो भाग्यशाली हूं कि मेरा शीश स्वयं परशुराम जैसे महापुरुष की परशु की छाया में आ गया। किंतु मेरी एक बात अवश्य ध्यान से सुनिए मुनिवर। जिस प्रकार वाटिका के एक विषैले पौधे को नष्ट करने के लिए समस्त वाटिका को उजाड़ देना अनुचित है, उसी प्रकार एक अपराधी को दंडित करने के लिए उसकी समस्त पीढ़ियों को दंडित करना अनुचित है। मुनिवर, आपने एक क्षत्रिय से क्रोधित होकर उसकी समस्त पीढ़ियों का वध कर दिया। आप तो क्षत्रियों के अहंकार को नष्ट करना चाहते थे मुनिवर, किंतु आप स्वयं अपने ही अहंकार के बंदी हो गए। अब एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना। क्यों मुनिवर? इसलिए कि मेरे शब्दों में आपके परशु से भी अधिक धार है। कोई अतीत के बोझ को लेकर आजीवन जी नहीं सकता मुनिवर। आप अपने अतीत के अहंकार को वर्तमान में ले आएंगे, वर्तमान से भविष्य में ले जाएंगे तो थक जाएंगे। मुनिवर,
मेरी आंखों में देखकर बताइए, कौन सा आक्रोश आप हम पर निकाल रहे हैं? आदेश दीजिए मुनिवर। संभवतः तुम सत्य कह रहे हो रघुनंदन, मुझे अब शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। ये लो, मेरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। सोच लीजिए मुनिवर, कहीं ये भी टूट गया तो? अब ऐसा नहीं होगा राजकुमार। शिव धनुष के टूटने में एक संकेत था जिसे मैंने समझ लिया है। लो, श्रेष्ठ मुझसे सचमुच भूल हो गई थी। अब मैं अपने अतीत के अहंकार से उतर गया हूं। ब्राह्मण होकर भी मैं क्षत्रिय कर्म करने पर विवश हो गया था प्रभु। अब मैं संपूर्ण ब्राह्मणत्व प्राप्त करने जा रहा हूं।